ये रहा ये रहा हार्दिक। वीडियो में आ जा तू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत करती हूँ मैं नई वीडियो में। मेरा नाम है तनुजा रावत। मैं आज दशहरा का मेला देखने आई हूँ हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के सामने। और दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी के अवतार ने श्री राम भगवान जी ने रावण का वध किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे काम किए थे। बुरे काम ये किए थे कि राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण किया था। ये रहा हार्दिक। वीडियो में आ जाओ तू भी। अभी ना हम यहाँ पे पीछे खड़े थे तो हम आगे यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में आगे पहुँच गए। डर भी लग रहा था कहीं कपट आगे ना। और यहाँ पे ना झांकियाँ निकल रही थी, राम भगवान जी की झांकियाँ निकल रही थी। और यहाँ पे अलग अलग झांकियाँ निकल रही थी, बैंड वालों की झांकियाँ थी, गाने गा रहे थे, भगवान राम के लिए गाने गा रहे थे। और पीछे से भगवान राम और लक्ष्मण जी भी गाड़ी में आ रहे थे। अब ना हम यहाँ पे लोग ना जो जैसे हनुमान बनाए, राम लक्ष्मण जो रावण बनाए, सबके साथ ना फ़ोटो खींच रहे थे। तो उन्हीं को देख रहे थे हम कि यहाँ पे सबके सब राम के साथ, रावण के साथ और जो हनुमान जी बने थे उनके साथ। और यहाँ पे ना रावण की टोली भी निकल गई थी। यहाँ पे रावण की टोली निकल गई थी और लोग उनके साथ फोटो खींच रहे थे। Thank you.
पता क्या हुआ कि यहाँ पे कुंभकर्ण को जला रहे थे और उसमें चिंगारी पड़ गई रावण पे, उसकी चिंगारी पड़ गई रावण पे और रावण भी साथ में ही जल गया था पहले ही। और उसके बाद अब मेघनाथ की जलने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि रावण पहले ही जल गया था। तभी कहते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत, वही हुआ। रुक जा बना, अरे मेरे को लग रहा है हमें पीछे पीछे जाना चाहिए, एक लेडी और है यहाँ पे। यहाँ पे अब आखिरकार मेघनाथ भी मर चुका है। राम भगवान जी ने मेघनाथ को भी यहाँ पे मार दिया है, मतलब जला दिया है। और आखिरकार हो गई अच्छाई की जीत और बुराई की हार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट पे लिखना आपको कैसी लगी ये वीडियो। धन्यवाद।